कॉमन फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी एंड दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम, लॉकडाउन टाइम, और हम डिफरेंशिएशन में इस टाइप के डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। जैसे कि आपके पास है, मान लीजिए एक्स टू द पावर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन है, तो इट्स डिफरेंशिएशन टॉपिक इज डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स। और इसके डिफरेंशिएशन में आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, कौन सा वाला, एन एक्स एन माइनस वन वाला, इससे ऐसा लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स टू द पावर एक्स माइनस वन, दिस इज नॉट ट्रू। इवन अगर आप ऐसा लिख देते हो इसको एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स, इवन दिस इज नॉट ट्रू। तो दोनों ही केसेस है जिसमें यह ट्रू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ना तो ये कांस्टेंट है ना ये कांस्टेंट है, बोथ आर व्हाट, बोथ आर वेरिएबल्स, बोथ आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कहेंगे या इसको कहेंगे कि बोथ आर फंक्शंस। क्यों, ऐसा भी हो सकता है एक्स टू द पावर साइन एक्स हो, साइन एक्स टू द पावर एक्स हो, इस टाइप के डेरिवेटिव्स के लिए ये रूल्स जो हैं, कौन सा, जो यूजुअल रूल्स थे वो काम नहीं करेंगे। तो आए हम समझते हैं कि नया तरीका क्या होगा। तो नए तरीका समझने के लिए आपको लॉग की छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करनी पड़ेगी। तो लॉग की मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी बता देता हूं। अगर आपके पास a टू द पावर x इज इक्वल टू y है, तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग y बेस a इज इक्वल टू x। पर आपको इसमें हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो 2 टू द पावर 3 अगर क्या है, 8 है, तो ये हो जाएगा लॉग 8 बेस 2 इज इक्वल टू, y कौन है, देखो आप y 8 है, a कौन है, a 2 है। अब ऐसे देखो कि 2 की कौन सी पावर 8 है, तो 2 की थर्ड पावर 8 है। अगर यहाँ पे लिखा है 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16, तो आप इसको लिख सकते हैं log 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू, तो 4 की कौन सी पावर है, 4 की पावर ये 2 है। तो कुछ बेसिक बात आपको, log 1 बेस a, अगर log 1 बेस a है तो a की कौन सी पावर होगी, ये तो a की 0 होगी। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log 1 फॉर बेस a, log 1 फॉर एनी बेस, किसी भी बेस के लिए 0 होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे लिखा है log a टू द बेस a, तो ये कौन सी पावर है इसकी, ये इसकी 1 पावर है। हमारे जो केस हैं जिसमें हम log डायरेक्टली लिखते हैं, उसका बेस e होता है, तो e के लिए भी वही होगा, log 1 बेस e 0, log e बेस e इज इक्वल टू 1, क्योंकि कई बार बहुत फ्रिक्वेंटली लिखते लिखते हम बेस e का जिक्र नहीं करते। तो आप याद रखना कि हमारे पूरे डेरिवेटिव के बेस क्या रहेगा उस केस का, उन सारे केसेस में डेरिवेटिव्स में बेस उसका ई ही रहेगा, हम लिखेंगे नहीं, लिखना भूल भी जाएंगे तो भी आप याद रखना। अब जो लॉग की प्रॉपर्टीज है, वैसे तो लॉग इंडिपेंडेंटली एक चैप्टर है, पर अभी हम अपनी इसकी प्रॉपर्टी बता के आपको आगे ले चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू होगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। बेस कोई भी रख सकते हैं आप, ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, ई रख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज नॉट इक्वल टू लॉग एक्स, जैसे आपने ये सॉरी लॉग एक्स इंटू लॉग वाई इज नॉट इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। कई बार बच्चे इसका उल्टा भी समझ लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई को लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखते हैं, तो लॉग एक्स इंटू लॉग वाई को ऐसा नहीं लिख सकते, सॉरी लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते। अब इसी तरीके से लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो अब आप फिर मैं वही बात बताऊंगा आपको, लॉग एक्स जैसे लिखा है लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई लिख दिया, तो बच्चा ऐसा नहीं समझे उसको कि इसको ऐसा लिख देंगे, इसको रेसिप्रोकेट ना करें। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये है आपको मेनली इसको ध्यान रखना है, ये तो आपको इंस्ट्रक्शन है, हिदायत है, समझाई से एडवाइस है कि दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। तो लॉग एक्स टू द पावर पी को लिख सकते हो आप पी लॉग एक्स, ये पावर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, लॉग वन जीरो लिखा हुआ है, लॉग ई बेस ई वन, इतना ही काफी है हमारे लिए, इतने से ही हमारा काम काफी कुछ हो जाएगा।
आए अब हम इसका डिफरेंशिएशन समझते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ले लेते हैं x टू द पावर x का डेरिवेटिव। आप ये सारी प्रॉपर्टीज अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, काम आएंगी। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो मेरे वीडियो को रिवाइंड करके, रिवाइंड पीछे जाके देख लें, कहीं अगर रोकना हो तो रोक लें, धीमे चलाना हो धीमे चला लें अपनी मर्जी के हिसाब से। और कोई चीज़ अगर आपको आती है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नेवर हेजिटेट। अब y बराबर x टू द पावर x है और आपसे पूछा है कि फाइंड dy बाय dx, सारे केसेस में वही है dy बाय dx फाइंड करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले इसका दोनों साइड का लॉग ले लें, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x। यहाँ आप सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x टू द पावर x इज गिवन एंड टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। अब वो प्रॉपर्टी क्या कहती है उसकी, वो यहाँ आ जाएगा, x यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट बिकम्स x log x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से डिफरेंशिएशन, log y का 1 बाय y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, x का 1 log x कांस्टेंट log x का 1 बाय x, x x कैंसिल 1 प्लस log x, dy बाय dx y उधर भेज दो, ये हो जाएगा log x प्लस 1, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, x टू द पावर x 1 प्लस log x, ये आ गया इसका डेरिवेटिव, किसका, x टू द पावर x का। दिस यू कैन कीप इन माइंड, इसको आप दिमाग में भी रख सकते हैं ताकि आपके आगे भी काम आ सके। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पर दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर, ये आप खुद करना। तीसरा इसका आंसर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि सर ने क्या किया, हमको क्या करना है। x टू द पावर x स्क्वायर 2x log x प्लस x, ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन मैं थर्ड करता हूँ, y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको साथ साथ देते भी जाऊंगा ताकि आप खुद कॉन्फिडेंस डेवलप गेन कर लें। लॉग ले लिया दोनों साइड का, शुरू में थोड़ी सी परेशानी लग रही होगी पर बाद में एकदम आराम हो जाएगा एंड यू विल बिकम परफेक्ट। आप इतने होशियार हो जाएंगे कि कोई बात ही नहीं। इस टाइम का आप मैक्सिमम यूज करें, अब डिफरेंशिएट कर दें, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, लॉग एक्स कॉन्स्टेंट प्लस साइन एक्स कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स। साइन एक्स बाय एक्स को 1 मत लिखिएगा, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है व्हेन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट में, और व्हेन इट टेंड्स टू 0, अभी नहीं, अभी तो बहुत आसानी से ये y को उधर भेज दो, ये y उधर भेज दो, और चाहो तो y की वैल्यू डाल दो। क्या है y की वैल्यू, x टू द पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए कि आप घर पे उसको ट्राई करना और उसका आंसर टैली करना मुझसे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे लिख भेजना। तो वो है क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू x टू द पावर e टू द पावर x ले लिया आपने, इसमें भी वही लेना है आपको, लॉग लेना है e टू द पावर x नीचे आ जाएगा, एक स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें ये e टू द पावर x नीचे आ जाएगा, e टू द पावर x log x, फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करना, आंसर आपका होना चाहिए x टू द पावर e टू द पावर x, e टू द पावर x log x, e टू द पावर x अपॉन x, ये इसका आंसर आएगा। बड़ा आसान है, आप भी मास्टर हो जाओगे इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x प्लस log x टू द पावर x, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे अपन। तो फिर बहुत सिंपल है, इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, और dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx हो जाएगा dx ऑफ u और dv बाय dx। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, तो u क्या चीज है और v क्या चीज है, तो u और v समझते हैं। डिफरेंशिएशन का टाइप क्या है, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स,
इसकी एक बेहतरीन टेक्निक भी है जो जेई के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, और उससे अपन आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस चेक करने वाली बात आपको बाद में देखेंगे कभी, अभी आप देखिए इसको बड़े मन लगा के करना है। साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, आप कमेंट लिखने में कोई भी संकोच नहीं करें। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, जैसे हम कर रहे थे, तो लॉग यू, लॉग ऑफ साइन एक्स, और यहां पर हो जाएगा कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को नीचे उतार लें आप, तो हो जाएगा कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन करेंगे अब इसका, वन बाय यू, और यू का हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स कॉन्स्टेंट, प्लस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स का वन बाय साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का भी होगा कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं आप। यू को उधर भेज दें, डी यू बाय डी एक्स यू इंटू होल, होल मीन्स दिस, ये पूरा, और u की वैल्यू डाल दें। क्या u की वैल्यू, u की वैल्यू है बच्चों साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स ब्रैकेट माइनस साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका आंसर थोड़ा लंबा ही रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि बड़ा आंसर है और इससे ज्यादा क्या होगा, कितना होगा, इट्स एनफ, ये काफी है। अब v इज इक्वल टू, अब अगला कौन सा है, v बराबर क्या लिया हमने, log x टू द पावर x। अब क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेंगे, log v इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर x, ये x इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, x log log x। अब डिफरेंशिएट कर दो, 1 बाय v dv बाय dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट बनेगा और ये पूरा सेकेंड बन जाएगा। x का वन log log x कांस्टेंट, x कांस्टेंट log log x का वन बाय log x, और log x का वन बाय x, x x कैंसिल, अब dv बाय dx, तो v उधर चला जाएगा, तो v की वैल्यू रख दो आप, तो डायरेक्ट log x टू द पावर x, ये v की वैल्यू आ गई, ब्रैकेट ब्रैकेट में आ जाएगा log log x प्लस वन बाय log x, ये आ गया। अब ये dv बाय dx और du बाय dx की वैल्यू कहां पे रखना है अपने को, वन में, तो पुटिंग इन वन, नाउ ऑन पुटिंग du बाय dx वैल्यूज ऑफ du by dx and dv by dx in one, तो in one में रखा तो ये हो जाएगा dy by dx। अब तो केवल वैल्यू रखना है, तो दिमाग खर्च करना ही नहीं है, बस वैल्यू रख दो, sin x to the power cos x minus sin x log x plus कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट लॉग लॉग एक्स प्लस वन बाय लॉग एक्स वन बाय लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये आंसर है आपका। आप कई बार बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं, इस गलती से आपको बचना है। वो गलती क्या है वो मैं लिख देता हूँ, वो आप नोट करना, वो बहुत कॉमन मिस्टेक है। मैं बार बार जब भी कॉपी चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि बच्चों की ज़्यादातर गलतियाँ इस तरह की हो जाती हैं, उन गलतियों से आप बचना। क्या है वो गलती, बच्चे अगली स्टेप में लिख देते हैं log y, इधर लिख देंगे cos x log sin x प्लस x log log x, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू एंड इट शुड बी टेकन केयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये लिखा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप ये समझें कि ऐसा नहीं लिखना है आपको। तो ऐसा क्यों नहीं लिखना है, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं लिखना है। ऐसा इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू क्या है, यू प्लस वी, और आपने लॉग लिया,
लॉग वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग यू प्लस वी। अब आप ऐसा लिखना चाह रहे हो, लॉग ऑफ यू प्लस लॉग ऑफ वी, दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, नीदर यू कैन राइट इन दिस वे, ना ऐसा लिख सकते हैं लॉग यू इंटू लॉग वी, वो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में लिखाया हुआ है, तो आप उनको देखिए। तो इसलिए ये लॉग लॉग सेपरेट नहीं कर सकते, किसका लॉग अलग इसका लॉग अलग, तो दिस इज नॉट ट्रू, इट शुड बी टेकन केयर। इसका बहुत ध्यान रखना आप, बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं इसमें, तो इसको इम्पॉर्टेंटली अपनी कॉपी में लाल पेन से या दूसरे रंग के पेन से लिखना, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कॉस ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप इसमें लॉग नहीं लगा सकते अभी, क्यों, क्योंकि ये एक्स टू द पावर एक्स ऐसा है, कॉस ऑफ एक्स टू द पावर एक्स ऐसा है, ऐसा लिखा नहीं है, बट इट इज वेरी क्लियर। अगर ऐसा होता तब तो फिर मेंशन होता, क्या मेंशन होता, ऐसा। इसमें और इसमें डिफरेंस है, बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस, इसका अलग आंसर आएगा, इसका अलग आएगा आंसर। इसका आपको आंसर मैं बोल देता हूं, dy बाई डी एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स, ये आप ट्राई कर सकते हो घर पे, log ऑफ cos x माइनस एक्स टेन एक्स, आप ट्राई करना, मुझे लिखना कि सर हमको हुआ नहीं हुआ, क्या दिक्कत आई। अब अगर ऐसा है तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, एस का डिफरेंशिएशन होगा, dy वाई बाई डी एक्स किसका होगा, कॉस का माइनस साइन एक्स टू द पावर एक्स। फिर ddx किसका करोगे आप, ddx किसका करोगे, एक्स टू द पावर एक्स का करोगे, तो माइनस साइन एक्स टू द पावर एक्स। और एक काम करो अब आप u मान लो एक्स टू द पावर एक्स को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ddx ऑफ u, आपने क्या मान लिया u का, और u का जैसा डिफरेंशिएशन हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, लॉग लेना है दोनों साइड का, सब कुछ करना है। तो du by dx का वैल्यू कितना आएगा, x टू पावर x 1 प्लस लॉग x, ये वैल्यू आप कहाँ पे करना है, ये कैसे है, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आज हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी के जैसा ही, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, तो वैसे ही करना आप। और ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना, इसको सब्सटीट्यूट करना इस इक्वेशन में, स्टार है, लेट दिस बी स्टार, तो सब्सटीट्यूट किस में करोगे, स्टार में। तो स्टार में जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे आप, तो योर आंसर विल बी, आंसर होगा आपका dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आपका आंसर होगा। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। एक मैं आपको क्वेश्चन ऐसा ही देता हूं जो आप करना, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x टू द पावर x है, तो इसमें log लोगे तो ये हो जाएगा log x टू द पावर x टू द पावर x, ये पूरा x टू द पावर x नीचे आएगा। इसमें आप अपना दिमाग लगाना, मुझे लिख के बताना कि आपका क्या है ओपिनियन, क्या इसका आंसर है। आप आंसर चाहें तो बुक में भी देख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूं आपका आंसर, पर इतना ध्यान रखना कि x टू द पावर x इज नॉट सेम एज x टू द पावर x स्क्वायर, दिस इज डिफरेंट थिंग। आप 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 को 2 टू द पावर 3 इंटू 4 नहीं लिख सकते, इट इज नॉट ट्रू। ये तो ठीक है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 4, पर ये इक्वल नहीं है, तो इट शुड बी टेकन केयर। इसका भी ध्यान रखना है कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर आपके मन में होगा कि सर हम आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे कि अवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स अपॉन एक्स। आप अपना आंसर जरूर लिख के भेजिए मुझे। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ एज अ होमवर्क क्वेश्चन,
वो है नंबरिंग में शायद से भूल सा गया हूँ कि कौन से नंबर से चल रहे थे, इसलिए आप नंबरिंग करते जाना। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था जब बोर्ड मिटाया था उससे पहले, उसके बाद का ये, फिर ये, और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था वो, और एक मैं और दे रहा हूँ आपको, 10x to the power cot x plus cot x to the power 10x, इसको भी आप डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करके मुझे बताइए। इसका आंसर मैं नहीं लिखता हूँ, आप इसका आंसर मुझे लिखिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो माय व्हाट्सएप नंबर इज दिस 9685698056। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कुछ भी लगे, कंफ्यूजन हो, मुझे लिख के दें, लिख के अपनी प्रॉब्लम बताएं, मुझे व्हाट्सएप करें। और मेरी इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ, विद दीज गुड विशेस, आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन। विश यू ऑल द बेस्ट।